फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल V2TV। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बेबी पैरट को आप लोग क्या क्या हैंड फीडिंग करा सकते हैं और कैसे हैंड फीडिंग करा सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक बोल में हल्का गर्म पानी लेना होगा, जो एकदम ज़्यादा नहीं गर्म होगा और एकदम लाइट वार्म होगा, और एक पैकेट सत्तू। अब मैं इस सत्तू पाउडर को पानी के अंदर डाल दूँगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा जब तक ये रेडी ना हो जाए। अगर आपका बर्ड एकदम छोटा बेबी पैरट होता है तो अब आपको एकदम पतला करके पिलाना होगा, जैसे अभी ये पतला देख रहा है। नहीं तो ये अगर ज़्यादा ठीक करके पिला देंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। बट मेरा जो पैरट है वो है अलेक्जेंडर पैरट, और वो थोड़ा बड़ा भी हो गया अभी। अलेक्जेंडर पैरट का होड भी थोड़ा बड़ा होता है नॉर्मल पैरट से, तो मैं ये जो फार्मूला बनाया इसको और ठीक कर लूँगा। तो इसके अंदर मैं और थोड़ा सत्तू पाउडर ले लूँगा। अभी आप लोग देख सकते हैं ये फार्मूला पहले से कितना ज़्यादा ठीक हो गया है। तो अभी मैं ये फार्मूला को एक 50 ml का सिरिंज में उठा लूँगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा सिरिंज के अंदर कोई एयर या बबल्स ना रहे, तो वो एयर को मैं अभी निकल दूँगा। इसके बाद आपका बेबी पैरट का क्रॉप चेक कर लेना होगा, वो एकदम खाली है कि नहीं। अभी आपको ये सिरिंज लेना होगा और अपना राइट साइड से, मतलब बाट का लेफ़्ट साइड से आपको इसको फिट करा देना होगा। तो देखिए, मैं इसका लेफ़्ट साइड में, होट का लेफ़्ट साइड में सिरिंज को पकड़ूंगा और खुद का राइट साइड होगा वो। तो देखिए, ये आस्ते आस्ते फीड ले रहा है खुद से ही। तो इसको मैं हल्का हल्का आस्ते आस्ते पुश करूंगा और ये फीड अंदर ले लेगा। तो देखेंगे आस्ते आस्ते इसका क्रॉप भर्ती हो जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना होगा इसका नाक में या जहाँ से ब्रीथ करते हैं वहाँ पे ये फीड ना चले जाए। अगर चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, ये खुद से ही फीड को खा ले रहा है। एकदम आस्ते आस्ते आपको पुश करना होगा। मैं मेरा पैरट को सत्तू पाउडर फार्मूला के हिसाब से खिला रहा हूँ। आप लोग, बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड फीडिंग फार्मूला मिलता है, जैसे A19 फार्मूला, A21 फार्मूला, पेट्स लाइफ का भी फार्मूला आता है जो थोड़ा कम दम में होता है, तो वो सब खिला सकते हैं आप। तो देखिए, इसका क्रॉप आस्ते आस्ते कितना भर गया है। आपको इसका क्रॉप बीच बीच में चेक कर लेना होगा, ये ज़्यादा टाइट ना हो जाए। अगर ओवर फिट करा देंगे तो बाट का इशू आ जाएगा। देखिए, ये अभी भी टाइट नहीं हुआ, इसलिए मैं और भी फिट करा रहा हूँ। देखिए, इसका क्रॉप ऑलमोस्ट भर्ती हो गया है और थोड़ा सा बाकी है, मैं ये भी थोड़ा खिला देता हूँ। तो देखिए, ये पूरा फूल हो गया इसका क्रॉप। तो देखिए, अब इसका क्रॉप को चेक कर लूँगा मैं, ये कितना भर गया है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, गोल हो गया, पहले एकदम फ्लैट था। देखिए, पूरा फूल गया है और ये ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा ओवर फीडिंग के लिए। वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं लिक्विड हैंड फीडिंग फार्मूला कैसे खिलाया मेरा बेबी अलेक्जेंडर पैरट को। अलेक्जेंडर पैरट का बीक बहुत बड़ा होता है, इसलिए आप लोग उसको सॉलिड फूड भी खिला सकते हैं। तो मैं अभी दिखाऊँगा आप लोग बेबी अलेक्जेंडर पैरट को सॉलिड फूड कैसे खिला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको चना का डाल लेना होगा और उसको पानी में भिगा के रखना होगा 2-3 घंटा के लिए। उसके बाद आपको वो चना का डाल भिगा हुआ जो है उसको गर्म करना होगा, बॉईल करना होगा उसको। बॉईल करने के बाद ये ऐसे बड़ा हो जाएगा थोड़ा साइज में और सॉफ्ट भी हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना बेबी पैरट को एक एक करके खिलाना होगा, जैसे मैं अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए,
ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था तो इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। देखिए एक एक करके डाल मैं पकड़ रहा हूँ और वो खुद से खा ले रहा है। एलेक्सेंडर पैरट का बेबी जो होता है उसका बीक थोड़ा साइज में बड़ा होता है नॉर्मल पैरट के हिसाब से, तो ये अच्छे से स्वालो कर सकते हैं चना का डाल। अगर यही डाल आप एक छोटा बेबी पैरट को खिलाएंगे, दूसरा कोई भी कोकाटेल बोलिए या फिर रिंग नेक पैरट बोलिए, वो इसको खा नहीं पाएगा, उसका गला में चोक हो जाएगा ये डाल। तो आप छोटा पैरट में ये ट्राई मत कीजिए, ये सिर्फ एलेक्सेंडर पैरट या फिर जिसका बीक थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है जो ये साइज का डाल को स्वालो कर पाएगा, सिर्फ उसको ही ये ट्राई कर सकते हैं उसके ऊपर। तो देखिए ये एक एक करके कैसे खा ले रहा है। आपको सिर्फ उसका मुंह के सामने पकड़ना होगा और उसको वो अपने आप ऐसे अंदर कर लेगा डाल को। तो देखिए ये पहले से क्रॉप कितना भर गया है, पहले एकदम फ्लैट था, अभी देखिए कितना राउंड हो गया है। अगर जब इसका पेट भर्ती हो जाएगा ये और खाना नहीं लेगा, ये खुद से ही फीडिंग लेना बंद कर देगा। जब ये खुद से फीड लेना बंद कर देगा उसके बाद आप फोर्स फीडिंग मत कराइए, ओवर फीडिंग मत कराइए। अगर ज़्यादा खा लेगा तो बर्ड में इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, बर्ड का डेथ भी हो सकता है। तो इसके लिए ओवर फीडिंग एकदम भी मत कराइए, हमेशा क्रॉप को चेक कर लीजिए ये हार्ड हो गया है कि नहीं। अगर ये हार्ड हो जाएगा तो और फीड मत दीजिए। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग लिक्विड फॉर्मूला खिलाएंगे अपना बेबी बर्ड को तो वो जब पूप करेगा वो एकदम लिक्विड पूप करता है और उसका जो जहाँ पे आप रखेंगे वो एकदम गीला हो जाता है, बार बार आपको चेंज करना पड़ता है। सॉलिड फूड जब आप खिलाएंगे, जैसे मैं अभी चना का दाल खिला रहा हूँ, ये जब आप अपना बेबी बर्ड को खिलाते हैं उस टाइम पे अपना बर्ड का जो पूप होता है वो एकदम लिक्विडिश नहीं होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, कभी कभी हार्ड भी होता है। उससे क्या होता है, जहाँ पे आप रखते हैं वो जो बॉक्स या फिर केज जहाँ पे भी आप रखते हैं वो साफ़ रहता है और बर्ड भी साफ़ रहता है, इससे आपका बर्ड को कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता है या फिर भीगा हुआ रहने से आपका बर्ड को ठंडा भी नहीं लग सकता है। इसलिए ये सॉलिड फूड जो चना का दाल है ये खिलाना एक प्लस पॉइंट है अपना बेबी बर्ड के लिए। ये एकदम भी पतला पोटी नहीं करेगा लिक्विड के जैसे, सॉफ्ट कर सकते हैं बट पतला नहीं करेगा, जिससे आपका बर्ड गंदा नहीं होगा। तो देखिए अब इसका क्रॉप पूरा फुल हो गया है, मैं इसको और नहीं फिट कराऊंगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं आप लोग, मेरा चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरा चैनल पे ऐसे बहुत सारा पेट्स रिलेटेड वीडियो देख पाएंगे आप लोग, तो जल्दी से जाके सारा वीडियोस चेक कर लीजिए।